सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित चौथी मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। सांसद ने महिला सशक्तिकरण रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम से मातृशक्ति में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। सरकार भी महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामले को गंभीरता से ले रही है। इस अवसर पर महिलाओं ने सांसद को धो पाप ब्रांड का गुच्छ भेंट किया। उन्होंने कहा कि धो पाप भारत का ब्रांड बने, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धो पाप ब्रांड से 150 उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसमें साबुन, अगरबत्ती, धूपबत्ती की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमने ये सोचा कि एसएचजीस में 1.5 लाख औरतें हैं, 2 आध को छोड़ करके ज्यादातर वो केवल पैसा लेती और पैसा वापस देती, लेकिन इतनी काबिल औरतें हैं मैं देख रही थी, तो क्यों नहीं उनको कुछ सिखाया जाए। तो हम लोगों ने कई कोशिशें की कि उनसे पूछ करके कि क्या सीखना चाहते थे। वो इस तरीके से सीखना चाहते थे कि पूरे दिन काम ना करें, 2-3 घंटे के लिए काम करें और घर में कमाई उतनी आ जाए। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है धो पाप, क्यों नहीं उसके नाम पर हम लोग चीज़ें बनाएं ताकि हम अयोध्या में भी बेच सकें। तो तब जाकर के प्रशासन के लोगों ने, हमारे डीएम साहिबा, हमारे डीडीओ जो मेन करता धरता है, हमारे पीडी सब ने बैठ करके, हमारे सीडीओ ने बैठ करके इन चीज़ों के बारे में सोचा